जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 15 अध्याय और उसकी 21 से लेके 28 तक हम आज ध्यान करने वाले हैं, और उसकी मैं पहली आयत को मैं पढ़ूंगा और मैं उसकी 21 आयत को मैं पढ़ूंगा। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सेदा के प्रदेश की ओर चला गया, और उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी फिर से आपके चरणों में आके झुक जाके धन प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ने चलने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। जो वचन पढ़ा गया है उसके ऊपर आशीष करें, हमसे बात करें प्रभु जी। हम जहाँ कहीं गिर गए वहाँ से उठाएँ प्रभु जी। मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ प्रभु जी। आप मेरी भी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूँ, आप ही मुझे संभालेंगे चलाएंगे करके विश्वास करते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 15 अध्याय 21 से लेके 28 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास बहुत ही समय कम है, इसलिए मैंने उसको 21 एक ही वचन को 21 और 22 को मैंने पढ़ा है। आप इस पूरे अध्याय को पढ़ के ध्यान कर सकते हो। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं एक स्त्री को जो कि कनानी है, यानी कि वो अनिजाति की है, यानी कि कनानी, यानी कि अगर हम इसे मरकुस की किताब 7 अध्याय और उसके 24 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि ये कनानी स्त्री जो थी यूनानी थी, यानी कि ये अनिजाति के लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कभी जाके प्रचार नहीं किया था। हे भाई और बहनों, यहाँ पे पहली आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सेदा के प्रदेश की ओर चला, यानी कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकल के सूर और सेदा की देश में चला। तो हम अगर इसी वचन को अगर मरकुस 7 अध्याय और 24 से लेके 30 तक अगर हम ध्यान करेंगे तो उसमें भी इसके बारे में लिखा हुआ है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक प्रदेश में, यानी कि सूर और सेदा के देश में से होके उसे गुजरना था, और वहाँ से गुजरते हुए उसने सोचा कि मैं छुप के रहूँगा और कोई मुझे ना देख पाए, इसलिए उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश करी। मगर पता नहीं कहाँ से किसी को पता चल गया, इस स्त्री को भी, कनानी स्त्री यानी कि यूनानी स्त्री को पता चला कि हमारे यहाँ पे, हमारे देश के में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए उसने सोचा चलो मैं भी प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी और प्रभु यीशु मसीह से कहूंगी कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा से बचाए। हे भाई और बहनों, और वो जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो चिल्ला चिल्ला के पीछे से वो आवाज़ दे रही थी और कह रही थी, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी के ऊपर दया कर, उसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है और उसे वो बहुत सताती है, पीड़ित है, उसे चल के चंगा कर दे करके। जब उसने, स्त्री ने ये सब प्रार्थनाएं चिल्ला चिल्ला के प्रभु यीशु मसीह को कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नज़रअंदाज कर दिया। हे भाई और बहनों, जब नज़रअंदाज कर दिया तो प्रभु यीशु मसीह के चेले ने कहा कि इसे किसी भी तरह से करके विदा कर दे प्रभु यीशु मसीह, वो चिल्लाते हुए आपके पीछे आ रही है ताकि आप उसकी बेटी का ध्यान रखें। हे भाई और बहनों, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो इज़राइल की खोई हुई भेड़ के लिए ही सिर्फ आया हूँ और किसी के लिए नहीं आया गया हूँ, लड़कों की रोटी लेके मैं कुत्तों के सामने कैसा फेंक दूँ। लेकिन उस स्त्री ने अपने आप को दीन किया और कहा कि जब लड़के
रोटी खाते हैं, लेकिन उनका चूरा जब नीचे गिर जाता है तो कुत्ते भी उसमें से खा के तृप्त हो जाते हैं। बस आप मेरी बेटी को ठीक कर दे। ए भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा, तेरी बेटी दुष्ट आत्मा से बच गई है, अब तो अपने घर चले जा। और मैंने इज़राइल में भी आज तक ऐसा विश्वास नहीं देखा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ये वचन से हमसे बात कर रहा है। ये कहानी हम लोगों ने कई बार सुनी होगी, कई बार ये वचन भी हमने कई बार सुनाया गया होगा और कई बार हमने इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी आज परमेश्वर इस वचन को आपके सामने लेके आए हैं तो प्रभु आपसे भी बात करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि जा, तेरी बेटी जो है दुष्ट आत्मा से बच गई है, तो खुशी खुशी से अपने घर चली जा। लेकिन उसने ये भी कहा कि इज़राइल में भी मैंने ऐसा विश्वास कभी नहीं पाया। हे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछ रहे हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सच्चा विश्वास करते हो? अब विश्वास करते हो तो आपका विश्वास कैसा है? आपका विश्वास किस तरह से, बातों से आप विश्वास करते हो कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ बस कहते हो, या तो कामों के द्वारा भी, यहाँ के उसके पीछे लग के भी आप बताते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। भाई और बहनों, आज ये सवाल हम सबको पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ये पूछ रहे हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो? ये स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, इसलिए वो उसके पीछे भागते हुए आई और कहा कि हे दाविद की संतान मुझ पर दया कर दे। हे भाई और बहनों, ये स्त्री जानती थी कि वो दाविद की संतान है। सब लोग जानते थे, वहाँ पे यहूदी भी जानते थे कि इज़राइल में यानी कि यहूदियों में से ही एक उद्धार करता आएगा। हे भाई और बहनों, ये स्त्री को पता था कि ठीक करने वाला ये है। क्या आपको पता है, क्या आपको विश्वास है कि हमारा प्रभु ही सब कुछ ठीक करने वाला है? हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले आयत पे, जब वह यीशु वहाँ से निकला और सूर और सेदा के प्रदेश में की ओर चला, यानी कि सूर और सेदा के देश में से चला, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की वहाँ से, ताकि कोई उसे देख ना ले। अगर उसे देख लेते तो सब लोग वहाँ पे भीड़ की भीड़ लग जाते। हे भाई और बहनों, हम सबको पता है जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, जब प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाते थे, ठीक करते थे किसी रोगी को, तो यानी कि जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह चले जाते थे वहाँ पे भीड़ जो है लग जाती थी प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, यानी कि लोग वहाँ पे विश्वास करते थे। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की ताकि कोई उसके पीछे ना आए, ताकि किसी को कोई पता ना लग जाए। हे भाई और बहनों, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को छुपा नहीं सके। यहाँ पे एक स्त्री है, कनानी स्त्री है, यानी कि यूनानी स्त्री है। ये स्त्री जो है अनिजाति की है, इसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रही है और कह रही है कि हे दाविद की संतान मुझ पर दया कर। यानी कि सूर और सेदा के देश के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है। क्यों नहीं पता है इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी इनके शहर में जाके इन्हें वचन नहीं सुनाया था, क्योंकि उद्धार जो था इन लोगों के लिए नहीं था, अनिजातियों के लिए नहीं था। लेकिन उद्धार जो था, हम यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तो इज़राइल की कोई भी भेड़ के लिए, यानी कि यहूदियों के लिए और इज़राइलियों के लिए आया हूँ, क्योंकि ये लोग अपने परमेश्वर को भूल चुके हैं, इनके लिए मैं आया हूँ। हे भाई और बहनों, इज़राइली और यहूदी भी इंतज़ार कर रहे थे कि उनका उद्धार करता कब आएगा और उन्हें उद्धार करता कब आएगा, कब उन्हें उद्धार मिलेगा।
हे भाई और बहनों, लेकिन उनके बीच में ही प्रभु यीशु मसीह घूमता रहा, लेकिन उन्हें पता ही न चला कि हमारा उद्धार करता ये। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले सोचा कि मैं इसराइलियों को और यहूदियों को जाके बताऊंगा कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ही उद्धार करता हूँ। लेकिन इस भावना से प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से ये कहा, लेकिन ये स्त्री भी जानती थी, यानी कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, अन्य जाति के थे, लेकिन फिर भी इसने विश्वास किया। यानी कि ये स्त्री को पता चला, ये स्त्री को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जो है महान है, प्रभु यीशु मसीह जो है किसी के ऊपर जब प्रार्थना करते हैं तो ठीक हो जाता है, रोगी ठीक होते हैं, लंगड़े ठीक होते हैं, गूंगे बोलते हैं और कोढ़ी ठीक हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों को, यानी कि ये कनानी स्त्री को पता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है उद्धार करता है, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब आ रही थी वो चिल्ला रही थी कि है उद्धार करता, यानी कि है दाविद की संतान मुझ पर दया कर, है प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने घेरा है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती है। हे भाई और बहनों, उस स्त्री को पता था कि चंगा करने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह ही है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम आपसे और मुझसे एक सवाल कर रहा है, कनानी स्त्री, यूनानी स्त्री, यानी कि अन्य जाति की स्त्री को पता था कि प्रभु यीशु मसीह ही है उद्धार करता, लेकिन आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या आपको पता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमें ठीक कर सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमें बचा सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमारी तकलीफों को दूर कर सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, कोई भी कमी घटी क्यों ना होए हमारा प्रभु यीशु मसीह ही पूरा कर सकता है। क्या आपको विश्वास है? हे भाई और बहनों, स्त्री को, कनानी स्त्री को विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह है जो ठीक कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह है जो उद्धार करता है। हे भाई और बहनों, क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है? हे भाई और बहनों, उसने उत्तर दिया, उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर, वो तो पीछे चली आ रही है। हे भाई और बहनों, वो स्त्री, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो लगातार लगी रही प्रभु यीशु मसीह के पीछे, प्रभु यीशु मसीह का पीछा करती रही, जहाँ तक वो प्रभु यीशु मसीह चलते गए वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो भी चलती गई और पुकारती रही। तब तक उसने पुकारा प्रभु यीशु मसीह को जब तक प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया नहीं की, प्रभु यीशु मसीह से कहती रही, प्रभु जी मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने घेरा है, दुष्ट आत्मा सता रही है, आप दया करें मेरी बेटी को और मेरी बेटी को जो है ठीक करें। हे भाई और बहनों, इसने पूरी ताकत के साथ, ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पीछे थी। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, आप कितनी ताकत के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास हो? हे भाई और बहनों, आजकल लोग प्रार्थना करते हैं, अगर कोई बीमार होता है तो प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु जी इस रोग को ठीक कर दे, प्रभु जी आज ये परेशानी है इसे ठीक कर दो, यहाँ कोई बीमार है उसे ठीक कर दो, यहाँ तनख्वाह नहीं आ रही है उसे ठीक कर दो, यहाँ कोई सता रहा है उसे ठीक कर दो, यहाँ घर लेना है उसे बना दो, या कोई ना कोई, हर एक की अलग अलग समस्या है, हर एक की अलग अलग प्रार्थना है, और हम प्रार्थना भी करते हैं और करने भी चाहिए, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? हम पहले प्रार्थना करते हैं, एक दिन सुबह सुबह उठ के जब हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी चीज़ के लिए, या कोई बीमार है, या बच्चा बीमार है, या माँ बीमार है, या कोई भी बीमार हो, या कोई भी परेशान हो, तो सबसे पहले हम कोई भी परेशानी हो तो उठ के प्रार्थना करते हैं, एक दिन प्रार्थना करते हैं, दो दिन प्रार्थना करते हैं, फिर कुछ नहीं होता है, फिर तीसरे दिन भी प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना से कुछ भी नहीं होता है, फिर हम पास्टरों को फ़ोन करते हैं,
प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, फिर वो भी प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। फिर से उनसे कहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, फिर से एक बार आप प्रार्थना करो, विनती करो हमारे लिए। फिर से वो लोग भी प्रार्थना करते हैं लेकिन कभी कभी जो प्रार्थना हम करते हैं वो प्रार्थना जो है सुनी नहीं जाती है, उसका जवाब नहीं मिलता है, चंगाई नहीं मिलती है, कोई मुश्किल के हालात जो है ठीक नहीं होते हैं, तो हम फिर लास्ट में विश्वास को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना छोड़ देते हैं, चर्च को जाना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, पास्टरों से मिलना छोड़ देते हैं, उनको अपनी विनती बताना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमसे नाराज है, हमारी तो प्रार्थना ही नहीं सुनता, आज से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आज से मैं चर्च भी नहीं जाऊंगा, आज से मैं बाइबल भी नहीं पढ़ूंगा, आज से किसी पास्टर को अपना दशवां भी नहीं दूंगा, मैं बस अपने पर विश्वास करूंगा, डॉक्टरों के पास जाऊंगा, ये वो करूंगा करके फैसला करके हम लोग जो है पीछे हट जाते हैं। हे भाई और बहनों, ये है आपका और मेरा विश्वास। हे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी अगर प्रार्थना करने के बाद में भी अगर कुछ नहीं होता है, अगर आप भी पीछे हट गए हैं, तो भाई और बहनों आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा विश्वास कहता है कैसा है, आप और हम कैसे जी रहे हैं, आपकी और मेरी प्रार्थना कैसी है, आपकी और मेरी प्रार्थना कितने दिन की है, आपकी और मेरा विश्वास कितने दिन का है। अगर प्रार्थना करते करते कुछ नहीं मिलता है तो क्या हम छोड़ दे रहे हैं सब कुछ? आज परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। भाई और बहनों, अनिजाति की स्त्री थी, कनानी स्त्री थी, यूनानी थी, अनिजाति की थी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उसे एक चीज पता था कि उद्धारकर्ता जो है प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उस स्त्री ने है दाऊद की संतान हम पर दया कर कहा, क्योंकि उसे पता था उद्धारकर्ता जो है दाऊद के घराने से होगा। हे भाई और बहनों, उद्धारकर्ता जो है यहूदियों में से आएगा, इसलिए उसे विश्वास था। हे भाई और बहनों, उसने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे लग गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे नजरअंदाज किया, उसकी बातों को नहीं सुना, चलता गया चलता गया चलता गया, लेकिन वो स्त्री चिल्लाती रही, जिसके पीछे लगी रही लगी रही लगी रही। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने नजरअंदाज किया, चेलों ने जाके प्रभु यीशु मसीह को बताया कि देखो एक स्त्री है जो पीछे घूम रही है, हमारे कई देर से हमारे पीछे लगी हुई है और उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ के रखा है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है और वो पीछे से चिल्ला रही है, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मेरी बेटी के ऊपर दया कर, मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ के रखा है, उसे ठीक कर, उसे ठीक कर करके जब जाके चेलों ने बताया, हे भाई और बहनों, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तो इज़राइल की खोई हुई भेड़ के लिए आया हूँ और किसी के लिए नहीं। हे भाई और बहनों, अगर आप किसी के घर में जाते हैं कुछ मदद मांगने के लिए, कुछ सहायता के लिए, कि कोई आपकी मदद करे या आपकी सहायता करे, अगर आप उसके पीछे लगे लगे हो, अगर आपको कहे कि नहीं मैं आपकी सहायता नहीं करूँगा, मेरे से सहायता होगी नहीं, तो आप क्या करोगे? हे भाई और बहनों, जाहिर सी बात है कि हर कोई वापस आ जाएगा और दोबारा कभी भी वहाँ पे नहीं जाएगा। हे भाई और बहनों, कभी कभी लोग पैसे पूछने के लिए किसी के घर में जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि पैसे हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते पैसे, ये तो हमारे लिए रखे थे, मैं दवाई जो है मेरी बेटी के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। जब ऐसा कोई हमें कहता है तो हमें कैसा लगता है यार, कि बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता होगा कि कितने विश्वास के साथ मैं इसके पास आया, लेकिन इसने कहा कि ये तो मेरे लोगों के लिए है। हे भाई और बहनों, उस स्त्री को भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, उद्धार और चंगाई जो है इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए है, मेरे लोगों के लिए है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे ही लगी रही, प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही लगी रही, प्रभु जी मेरी बेटी के ऊपर दया करे दया करे। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी तक उससे कह दिया कि मैं अपने लड़कों की रोटी लेके मैं कुत्तों के सामने कैसा डाल दूँ। हे भाई और बहनों, कुत्तों के सामने डाल दूँ। हे भाई और बहनों, मगर वो स्त्री ने अपने आप को दीन किया और उसने विश्वास किया, उसने कहा ठीक है, अगर आपके बेटे खाते हैं तो खाने दो,
जो चूरा वहाँ पे गिरता है तो वो कुत्ते भी खाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। उसी में से एक टुकड़ा जो है मुझे दे दे और मेरी बेटी को भी जरा ठीक कर दे। हे भाई और बहनों, अगर हम किसी के घर में कुछ मांगने जाए, कोई हमें कहे कि मैं अपनी रोटी लेके तो जैसे कुत्ते के सामने क्यों फेंक दूँ, तेरे जैसे सुअर के सामने क्यों फेंक दूँ, अगर कोई हमें कहेगा तो हमें लगेगा कि कोई हमें गाली दे रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है। और फिर क्या करेंगे, दोबारा उस घर में नहीं देखेंगे, दोबारा उसके पास नहीं जाएंगे। हे भाई और बहनों, स्त्री के साथ भी ऐसे ही हुआ। बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए, हर एक परीक्षा को उसने पास किया। प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाती रही, प्रभु जी मेरी बेटी के ऊपर दया करे, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ के रखा है। फिर भी नज़रअंदाज किया प्रभु यीशु मसीह ने, फिर भी वो चिल्लाती रही, प्रभु जी मेरी बेटी के ऊपर दया करो, मेरी बेटी के ऊपर दया करो। फिर भी प्रभु ने नज़रअंदाज किया। फिर चेलों ने जाके बताया कि उसके ऊपर दया कर, उसकी बेटी को ठीक कर दे। मगर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने रुक के कहा कि मैं अपने बेटों की रोटियों को कुत्तों के सामने कैसा डाल दूँ। हे भाई और बहनों, ये बात सुन के तो स्त्री को वापस चले जाना चाहिए था अपने घर घर के घर में कि मैं दोबारा प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आऊँगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा है कि मैं अपने बेटों की रोटियां लेके कुत्तों के सामने क्यों डाल दी, मैं कुत्ता हूँ क्या। ये गुस्से में आके उसे वापस चले जाने चाहिए था, हे भाई और बहनों। लेकिन उस स्त्री ने अपने आप को दीन किया, अपने आप को झुकाया और कहा कोई बात नहीं प्रभु जी, रोटी रोटी आपके लोगों के लिए सही, इसराइलियों के लिए सही, यहूदियों के लिए सही, मगर उनमें से एक टुकड़ा कुत्ता समझ के मुझे भी डाल दो। ए भाई और बहनों, जब ये बात उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को कही तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरी बेटी ने चंगाई पाई है, अपने घर वापस जा और अपनी बेटी के पास चले जा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये भी कहा कि मैंने आज तक इसराइलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा है। हे भाई और बहनों, इतना विश्वास उस स्त्री ने दिखाया और अपनी बेटी को चंगा पाया। हे भाई और बहनों, अगर आप भी ऐसा ही विश्वास देखेंगे तो आप भी अपने घर के हालात को बदलते हुए देखेंगे। अगर आप भी विश्वास करेंगे तो आप भी अपने आप को ठीक करते हुए देखेंगे। अगर आप भी विश्वास करेंगे तो अपने घर के हालात जो बिगड़ गए थे, जो आपने सोचा था कि कभी सुधर ही नहीं सकते, वो भी आप ठीक होते हुए पाओगे। बस शर्त ये है कि विश्वास करना है, जब तक ना मिले तब तक पीछे ही पड़ना है। हे भाई और बहनों, कोई हमारी बेइज्जती क्यों ना करे, फिर भी हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही लगना है। कोई हमें सुअर कहे या कुत्ता कहे, लेकिन फिर भी हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही पड़ना है। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ने से अगर कोई हमारी निंदा करता है, बेइज्जती करता है, तो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही जाना है, क्योंकि दया करने वाला, ठीक करने वाला, चंगाई देने वाला, सब कुछ हालात को ठीक करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एक ही है, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा विश्वास कैसा है? एक बार प्रार्थना की, दो बार की, तीन बार की, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सुनी तो छोड़ दिया है क्या आपने प्रार्थना करना? अगर पास्टरों से प्रार्थना कराई तो भी ठीक नहीं हुआ तो आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है? तो भाई और बहनों, स्त्री को याद करो, प्रभु यीशु मसीह ने इसकी ओर नहीं देखा। चिल्लाती रही फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने इसकी ओर नहीं देखा। चेलों ने कहा फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने इसकी ओर नहीं देखा, लेकिन वो भागती रही प्रभु यीशु मसीह की तरह, भागती रही भागती रही। प्रभु जी दया करो, दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर। कुत्तों की रोटियों यानी कि कुत्तों के यानी कि अपने लड़कों की रोटी में से जो चूरा गिरता है वो मुझे दे दे, ताकि ये कुत्ता भी खा के तृप्त हो जाए। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा विश्वास कैसा है? अगर आपको कोई गाली देता है तो आप फिर से गाली देते, नाराज़ होकर पीछे चले जाते हो? अगर आपकी कोई मदद नहीं करता है तो दोबारा हम नहीं जाते हैं? जाहिर सी बात है, हर कोई ऐसा करेगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास सच्चे मन से विश्वास के साथ जाएंगे तो कोई भी वापस खाली नहीं आएगा। हे भाई और बहनों, उद्धार जो था इसराइलियों के लिए था, उन्हीं के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे, लेकिन एक स्त्री ने भी अपने जीवन में आशीष ली थी, इसलिए क्योंकि उसने विश्वास किया था,
हे भाई और बहनों, अगर हम भी सच्चाई से विश्वास करेंगे, कितनी भी दुख और तकलीफें क्यों ना आए, मैं फिर भी विश्वास करूंगा, चाहे मुझे जब तक नहीं देगा प्रभु यीशु मसीह तब तक मैं प्रार्थना में घुटनों में लगा रहूंगा, अगर आप भी करते रहोगे तो भाई और बहनों आप भी चंगाई पाओगे, आप भी हालात हालात ठीक होते हुए देखोगे। हे भाई और बहनों, स्त्री से कहा, मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास कभी नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप भी विश्वास करें, ताकि आपकी भी गवाही दी जाए कि ऐसा विश्वास मैंने कभी भी नहीं देखा है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा, आपका और मेरा विश्वास कैसा है? अगर कोई प्रार्थना नहीं करता है, प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये स्त्री नहीं हटी, पीछे लगी रही जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ने सुना नहीं, ठीक नहीं किया। हमें भी तब तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगे रहना है जब तक हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, जब तक हम चंगाई नहीं पाते हैं, जब तक हम आशीष नहीं पाते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करे और आपके और मेरे जीवन में जिस तरह से कनानी स्त्री ने विश्वास दिखाया, ऐसा विश्वास आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह लेके आए। गॉड ब्लेस यू।